अब हम जा रहे हैं थाई एयरवेज से थाईलैंड बैंकॉक सिटी, तो देखते हैं कि थाई एयरवेज के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो फिर मिलेंगे आपसे बैंकॉक जाके। पाकिस्तान का एयरपोर्ट पीछे छोड़ दिया और अब हम लोग जा रहे हैं बैंकॉक की तरफ, तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, मुझे कैसा लगता है। बैंकॉक पहुंच गए सुबह के 5 बजे और ये होटल देखें बिल्कुल खाली था, और उन्होंने कहा कि हम तब तक आपको रूम नहीं दे सकते जब तक 12 नहीं बजेंगे। ओह माय गॉड, हमारे तो सबके मुंह पे 12 बज गए, समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, लेकिन इंतज़ार तो करना ही था हर हाल में। खैर, होटल का नाम था आइबिस, IBIS, बहुत ही अच्छा था, अमेजिंग था, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब सी थी, जगह जगह पर ड्रैगन्स नज़र आ रहे थे हर जगह पे। बैंकॉक एयरपोर्ट पे उतरते मुझे ड्रैगन नज़र आया, यहाँ होटल में आते मुझे ड्रैगन नज़र आया, तो आई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वहाँ के एयरपोर्ट पे देखते ही मैंने 3-3 मुंह वाला ड्रैगन देखा। खैर, सेल्फियाँ बनाई और सीधी रूम में पहुँच गई, और रूम बहुत ही कम्फर्टेबल था, बहुत ही अच्छा था, और ऐसे लगा जैसे कोई सज़ा पाने के बाद आपको कोई इनाम मिलता है। येलो मेरा फेवरेट कलर है, तो येलो कलर भी था, और बहुत ही अच्छा पुरसकून सा कमरा था। आते ही पहले सो गई, फिर उठी और आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को कैसे भूल सकती थी। और सामने एक विंडो भी थी ज़बरदस्त किस्म की, वहाँ से सारा बैंकॉक, सारी बिल्डिंग्स नज़र आती थी। ओवरऑल एक ठीक एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि कुछ लोग जो हैं वो बैंकॉक बहुत ज़्यादा जाते हैं, उनको बहुत क्रेज़ है हर साल बैंकॉक जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान फिर भी ज़्यादा खूबसूरत है, मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, ये जो येलो कलर था ना, ये मुझे बहुत ही अम्यूज़ कर रहा था, ये मेरा वॉशरूम था, हर जगह पर कुछ ना कुछ येलो ज़रूर था, वॉश बेसिन येलो था, और मिरर तो आपको पता ही है लड़कियों के लिए हो तो बस फिर उनको और क्या चाहिए। सफाई काफ़ी अच्छी थी, अमेजिंग था, और ये मैंने आपको सारा वॉशरूम भी दिखा दिया है जनाबे अली। होटल की लॉबी में, लेकिन अभी मैं अपने रूम से बाहर निकली हूँ, और चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ होटल कैसा है। तो जनाब, बैंकॉक मुझे कैसा लगा? बैंकॉक अच्छा है, मजे का है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, तरह तरह के लोग हैं। तो जनाब, मैं आ गई हूँ लिफ्ट में, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग हैं, गोरे हैं, काले हैं। हाय, वेयर यू फ्रॉम? इंग्लैंड। इंग्लैंड, एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। विच फ्लोर इज दिस? 25th। ओके, तो जनाब मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बड़े पब्स भी हैं, यहाँ पे बड़े इस तरह की जगह भी हैं, लेकिन जो हम मुस्लिम्स हैं हमारे लिए अलग होटल्स बने हुए हैं, बांग्लादेशियों के भी बने हुए हैं, और वैसे जो है ना, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आपकी अपनी चॉइस है, आप जहां जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और बहुत मजे की चीज है बैंकॉक। अगर आपने अच्छा खाना खाना है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाते हैं। मुझे पाकिस्तान से आने से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा था कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। होटल है, और अभी हम पीपीएम के लिए जा रहे हैं, हमारी एक मीटिंग है, और मैं आपको बताती जाऊंगी कि बैंकॉक में क्या चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। फिलहाल तो आप इनका देखिए, लोकल रिक्शा, इनका ऑटो जो है वो ऐसा होता है बिल्कुल ओपन, और एज यू कैन सी द मार्केट ओवर हियर। चलिए, अभी मैं पीपीएम के लिए जा रही हूँ, फिर आपसे मुलाकात होती है दोबारा। है, और बहुत ही मजा आ रहा है, खासतौर पे मैं डिफरेंट जो लोग देखती हूँ ना, उनके साथ कम्युनिकेट करके, उनसे बात करके, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक मेरी फ्रेंड थी स्पेन की, उसने कहा था कि पाकिस्तान के लोग सबसे ज्यादा खूबसूरत होते हैं, और अब मुझे यकीन आ भी गया है जब मैं यहाँ पे लोगों को देख रही हूँ। तो
Hi. Where are you from? From Poland. Poland. And I'm from Pakistan. Oh, nice to meet you. Thank you. Same here. तो बहुत सारे लोग मुझे join कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है मुझे. तो जनाब मैं बाहर आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ होटल की लॉबी में जहाँ पर मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो मुझे ज्वाइन करने वाली हैं. रेस्टोरेंट में आई हूँ खाना खाने के लिए तो चलिए आपको दिखाती हूँ. बैंकॉक में हलाल फूड खाना ढूंढना बहुत मुश्किल काम है और बड़ी मुश्किल के बाद हमें ये एक रेस्टोरेंट मिला जो लेबनीज था और अब हम खाना खाएंगे. तब तक आप लोग कुछ और काम करें. हाय गाइस, अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैं बाइक पे बैठी हुई हूँ देखें. और बैंकॉक सिटी बाइक पे इनकी टैक्सी है जिसपे मैं बैठ के शॉपिंग मॉल के पे जा रही हूँ. रास्ते में जनाब आपको दिखाऊं तकरीबन लाहौर जैसा ही है. अंदर हूँ और यहाँ पे जो शॉपिंग है वो बिल्कुल पाकिस्तान की जैसी है. कुछ भी डिफरेंट नहीं है. सब कुछ वो है जो पाकिस्तान में मिलता है. और ये प्लैटिनम मॉल है. मुझे कुछ खास नहीं लगा. ज्वेलरी शॉप में हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर जो करेंसी इस्तेमाल होती है बैंकॉक में वो है बात. तो ये बात है, ये 100 बात है और ये है जनाब जी 20 बात. और ये जो आप देख रहे हैं ये हीरे बनाने की एक कंपनी है स्वारस्की और इनके जो डायमंड है पूरी दुनिया में बड़े मशहूर है और उन्हीं के पार्टिकल्स के साथ ये पूरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है ये बनाते हैं. और मैं यहाँ शॉपिंग के लिए आई हूँ. मुझे सबसे अच्छा प्लैटिनम मॉल में अभी तक जो है वो यही शॉप लगी है. तो चलिए अब मैं आगे वाली शॉप्स में जाती हूँ. मैंने काफी अच्छी शॉपिंग की है और काफी रीजनेबल की है जी. तो गाइस अभी मैं एन सैलून में हूँ और मैं करवा रही हूँ मैनीक्योर. यहाँ पे नारियल पानी बहुत मजे का मिलता है. ज्यादातर ये लोग सी फूड खाते हैं और इसी वजह से इनके बाल और आंखें बड़ी अच्छी होती हैं. चले आए मैं आपको दिखाती हूँ. गाइस अभी मैं रिवर सिटी के अंदर आ चुकी हूँ. तो आप देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लुकता है और बहुत ही मजे है यहाँ पे. अगर आप कभी बैंकॉक आए तो रिवर सिटी आना नहीं भूलिएगा. तो कैमरा मैन आप इसको जरा व्यू दिखाएं. यहाँ पे नारियल पानी बहुत मजे का मिलता है. ज्यादातर ये लोग सी फूड खाते हैं और इसी वजह से इनके बाल और आंखें बड़ी अच्छी होती हैं. चले आए मैं आपको दिखाती हूँ. मैं क्रूज में अब बैठने लगी हूँ. मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ बताती चलूँ. बहुत मजा आ रहा है और अब मैं क्रूज में आके बैठ गई हूँ. आप मेरी टीम को देख सकते हैं. नीलम हाय.
शूट बाकी है, लेकिन यहाँ की जो पूरी टीम है, पूरी टीम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सब लोग मुझे करीना बुलाते हैं। लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि हमारे साथ कुछ इंडियंस भी यहाँ पे मौजूद हैं, इंडियन मॉडल्स हैं, इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। मेरे साथ यहाँ पर है संजय, और अभी मैं थोड़ी हैरान हुई कि जब उन्होंने मुझे कहा हेलो करीना, और मैंने कहा जी, तो हाय संजय। हाय 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 हाउ यू संजय। इंडिया में आप कहाँ से हैं? मैं इंडिया में बॉम्बे से हूँ। बॉम्बे से हैं और ज्यादातर आप कमर्शियल्स करते हैं? मैं कमर्शियल्स करता हूँ, सिर्फ कमर्शियल्स करता हूँ। तो आपने मुझे करीना क्यों बुलाया? क्योंकि मैंने काम किया उनके साथ, अब सेम टू सेम लग रही हैं, वो सेम करीना लग रही हैं। ओह यस, सो इट्स ए कॉम्प्लीमेंट। और मैंने इनको बताया कि मैंने वहाँ जियो पे बहुत सारे कैरेक्टर्स भी किए हैं करीना कपूर के, और अब इन्होंने तस्दीक भी कर दी है, तो मैं जाके अपनी टीम को दिखाऊंगी। ओके संजय। ओके अलविदा। अलविदा। मैं लोकेशन पे हूँ जहाँ हमारा कमर्शियल शूट जो है वो रिकॉर्ड होना है, और ये एक बैंगलोर है, बैंकॉक सिटी से एक घंटे की ड्राइव पे। तो मैं यहाँ आई हूँ, और इस जगह का नाम है पतुम थानी। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये एक फार्म हाउस की तरह है, लेकिन इसकी वैसे फार्म हाउसेस तो लाहौर में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे तरह तरह के मुजस्मे हैं। तो ये स्टैचू जो है, आई डोंट नो कि इसका क्या मतलब है कि इस स्टैचू के एक हाथ में बॉल है और इसकी टंग के ऊपर एक चिड़िया बैठी है। तो शायद ये कहना चाहता है कि जुबान जो है ना आपकी चिड़िया की तरह नहीं होनी चाहिए शायद। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट जगह है जिनको हम लोगों ने कैप्चर करना है, और थीम कुछ ऐसा है कि मैं इस कमर्शियल में एक पख्तून और दरी लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ। आई डोंट नो, वैसे तो मैं पंजाबी हूँ और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या सोच के मुझे पख्तून का कैरेक्टर दिया है, लेकिन मैं इसको अच्छे करूंगी खचे, तो फिर आप देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको कमर्शियल कैसा लगा। हेलो, ये वाला बोल दो। जल्दी जल्दी